देखिए क्वेश्चन है क्या क्वेश्चन है इन एन एग्जामिनेशन देर आर हंड्रेड क्वेश्चन डिवाइडेड इन टू थ्री पार्ट ए बी एंड सी एंड ईच पार्ट शुड कंटेंट एटलीस्ट वन क्वेश्चन ईच क्वेश्चन पार्ट ए बी सी कैरी वन टू एंड थ्री मार्क्स रेस्पेक्टिवली पार्ट ए इज फॉर द एटलीस्ट सिक्सटी परसेंट ऑफ द टोटल मार्क्स एंड पार्ट बी शुड कंटेन ट्वेंटी थ्री क्वेश्चन हाउ मेनी क्वेश्चन मस्ट बी सेट इन पार्ट सी अगर हम लॉजिक से देखें तो क्वेश्चन समझिएगा कि 100 क्वेश्चन का एक पेपर बनाया गया है जिसको तीन सेक्शन में डिवाइड किया ए बी और सी इसके लिए ए सेक्शन में जितने भी क्वेश्चन होंगे वन मार्क्स मिलेंगे बी में जितने भी होंगे टू मार्क्स मिलेंगे सी में जितने भी होंगे थ्री मार्क्स मिलेंगे बी में ऑलरेडी दिया है कि 23 क्वेश्चन लिए हैं यानी 23 2 46 यानी बी से कोई बच्चा 46 मार्क्स कमा सकता है ए में एटलीस्ट इतने क्वेश्चन होने चाहिए कि ओवरऑल 60% बने है. ओवरऑल बने याद रखिएगा जैसे मैं आप कई नहीं बोलते आना है, तुम्हें तो आप हो कि कितने नंबर लाने पड़ेंगे। 500 नंबर का पेपर है और उससे ऊपर नंबर लाएंगे तो सिक्सटी परसेंट बनेंगे वही कंसेप्ट ओवरऑल का अब ए में कितने क्वेश्चन होंगे ये डिसाइड करेगा कि सी में कितने लिए अब वन क्वेश्चन तो होना ही चाहिए वन ऑप्शन है भी ठीक और एक और बात ध्यान रखना आप लोग अच्छे से कि यहां पर आप ऑप्शन से लेकर कर सकते हैं वन टू थ्री जैसे अगर मान लो वन तो लेना ही था पर टू को चेक कर लेते अगर two से 60 कम निकल रहा तो आंसर वन होता तो पहले पर मैं वन के साथ बताता हूं मान लो मैंने यहां वन क्वेश्चन लिया तो मुझे यहां मिलेंगे थ्री मार्क्स यहां मिलेंगे फोर्टी सिक्स मार्क्स अच्छा वन लिया यहां पर तो इसका मतलब ट्वेंटी थ्री प्लस वन ट्वेंटी फोर क्वेश्चन तो यहां हो गए तो इसका मतलब ए को 76 क्वेश्चन दिए तो 76 मार्क्स का ही होगा तो अगर मैं 76, 23 और अगर 1 को ऐड करूं तो ये आता है 125। अब 125 का अगर मैं आपसे बोलूं 60 परसेंट बताओ क्या होगा तो आप करते हैं 125 ट्वेंटी फाइव परसेंट अपॉन हंड्रेड ये कैंसिल 5, ये 4, ये कैंसिल 15, यानी 75। मतलब इसके पास कम से कम 75 क्वेश्चन होने चाहिए थे कम से कम जब जाके ही 60 परसेंट बनेगा तो 76 ही तो सिक्स थोड़ा से तो ज्यादा इसका मतलब इसका आंसर वन ही होगा क्योंकि 75 मार्क्स आने पर ये 60 परसेंट बनाएगा और अभी हमने इसको 76 मार्क्स दिए हैं अब अगर मैं एक भी क्वेश्चन यहां बढ़ा दूंगा मान लो दो क्वेश्चन कर दिए तो छह नंबर तो यहां का फिगर बिगड़ जाएगा फिर हमारे साथ दिक्कत हो जाएगी ये इसका तरीका था तो ये आंसर लगा सकते हैं फिर भी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको बताता हूं अगर मान लीजिए आप टू लेते तो कितने परसेंट कितने नंबर आने चाहिए थे यहां पर वो देखते हैं अब मान लो कि आप थोड़ी देर के लिए ये मान लेते हैं कि आपने दो क्वेश्चन इसको दे दिए मान लो दो क्वेश्चन दिए तो इसका मतलब ट्वेंटी थ्री क्वेश्चन इसके पास है ट्वेंटी टू इसके पास है ट्वेंटी फाइव तो इसके पास सेवेंटी फाइव क्वेश्चन बचेंगे यानी इसको सेवेंटी फाइव मार्क्स मिलेंगे अब टोटल नंबर कितने हो गए फोर्टी सिक्स ये थे 60 है, 52 और ये यानी तो ठीक तो तो और ज्यादा है तो इसका गलत है अब आप इसे सॉल्व करिए तो आपने इसे सॉल्व किया ये हुआ थ्री टाइम ये हो गया टू टाइम राइट तो ये हो गया बेटा थ्री एटी वन अपॉन राइट थ्री एटी वन सॉरी यह अपॉन टू से करा तो अपॉन फाइव लिखना था ये कैंसिल फाइव थ्री एटी वन अपॉन फाइव आपने कैंसिल करा फाइव सेव, सेव, सेवन फाइव सेवन फाइव सेवन या थर्टी फाइव ये मिल गया थ्री तो श, सिक्स सेवेंटी सिक्स पॉइंट समथिंग यानी सेवेंटी सिक्स पॉइंट समथिंग मतलब सेवेंटी सेवन क्वेश्चन इसके पास आएंगे तो ये सिक्सटी परसेंट बनाएगा पर इसके पास तो सेवेंटी फाइव क्वेश्चन इसका मतलब टू रॉन्ग हुआ टू रॉन्ग है तो बाकी तो होंगे ही रॉन्ग खैर तो ये इसका तरीका था क्वेश्चन को करने का